हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप योनो लाइट SBI ऐप्स यूज़ करते हैं तो आप काफ़ी सारा ऑप्शन यहां पे जो है सिर्फ बोल के भी बैलेंस चेक कर सकते हैं और बोल के भी आप जो है मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिर्फ बोल के आप जो है DTH रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज यानी कि क्विक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, यानी कि मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो कैसे कैसे क्या करना है, तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आप योनो लाइट SBI ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप जो है यूजर नेम और पासवर्ड डाल के जो है आप लॉगिन कर लीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है होम पेज पे आ जाइएगा। तो जैसे ही आप होम पेज पे आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो आप देख रहे हैं माइक वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे जो है आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो है क्लिक करके आपको दिखाते हैं। तो ये रहा मेरा होम पेज। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। तो एक फीचर के बारे में बताते हैं और बैलेंस इंक्वायरी जैसे ही आप यहाँ पे बोलेंगे तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि कितना आपका अकाउंट में बैलेंस है। तो चलिए हम यहाँ पे माइक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और बोलेंगे बैलेंस इंक्वायरी, बैलेंस इंक्वायरी। तो आप यहां पे देख सकते हैं आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा तो यहां पे आपका शो कर जाएगा। तो यहां पे देखिए मेरा अकाउंट नंबर भी है और बैलेंस भी है, 1414 रुपया है और 9 पैसा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं मिनी स्टेटमेंट निकाल के। तो फिर से यहां पे माइक वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और बोलेंगे मिनी स्टेटमेंट। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं आपका मिनी स्टेटमेंट निकल जाएगा। आप जिस भी तारीख को कितना कितना मनी ट्रांसफ़र आप किए हैं सारा डिटेल यानी कि पासबुक के रूप में निकल जाएगा। सिर्फ आप बोल के ये सब काम कर सकते हैं। अगर आपको मनी ट्रांसफ़र करना है यानी कि क्विक मनी ट्रांसफ़र करना है तो आप कैसे करेंगे, तो चलिए यहाँ पर सिंपल तरीका है। यहाँ पर आप जो है क्लिक करेंगे ये माइक वाले ऑप्शन पर और बोलेंगे क्विक मनी ट्रांसफ़र। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका बैंक बोलेगा सिलेक्ट करने के लिए आप ब्रांच, तो आपका जो भी बैंक है तो आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं आपको जिस व्यक्ति को भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस व्यक्ति का आप यहां पे नाम देंगे, उसके बाद अकाउंट नंबर देंगे और अमाउंट देंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं।